सीडीए मंसूबों की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब हो रही है इस्लामाबाद में। हम आपको मनाजिर बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस तकरीब के अंदर अभी प्रेजेंटेशन दी जा रही है कोरंग ब्रिज के हवाले से, जिसकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। और अब ये अगला प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज एट रावल चौक इस्लामाबाद। देखो जी, रावल डैम चौक इंटरचेंज, इसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। अब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, बताया जा रहा है कि ये मंसूबा कहां से कहां बनने जा रहा है और इससे इस्लामाबाद के रहायशियों को और जो लोग यहां पर आएंगे मुल्क के किसी भी हिस्से से, उनको कितना फायदा होने वाला है। इस्लामाबाद का इंतहाई खूबसूरत व्यू, ये इस्लामाबाद शहर मजीद खूबसूरत होने जा रहा है। ये मंसूबे जो हैं इनकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग की जा रही है। और अब जी एक और मंसूबा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी अंडरपास एट इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। बिल्कुल जी, ये पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज जो है ये बनाया जाएगा इस हाईवे के ऊपर, इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर। इसकी भी अंडरपास की मंजूरी जो है ये दे दी गई थी और अब आज ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी कर दी गई है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। और इससे भी इस्लामाबाद के शहरी और खासतौर पर जो पीडब्ल्यूडी के इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस्लामाबाद में ये तकरीब हो रही है एक और मंसूबा सीडीए का। ये क्या है आपको बताएं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ऑफ सेक्टर I-15-3 इस्लामाबाद। सेक्टर I-15-3 इस्लामाबाद का सेक्टर जो बहुत अरसे से देखने में आ रहा था ताखीर का शिकार था, इसकी भी फेज वन का जो मंसूबा है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से, जो इस्लामाबाद में मौजूद है। इस तकरीब के अंदर इमरान खान मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। ये जी चार प्रोजेक्ट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक जानिब आपको दिखाई दे रहा है रावल डैम चौक इंटरचेंज, दूसरी जानिब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कोरंग ब्रिज, पीडब्ल्यूडी अंडरपास, और फिर जो चौथा प्रोजेक्ट है वो है सेक्टर I-15-3 का फेज वन मंसूबों का इफ्तिताह। ये चारों जो मंसूबे हैं इससे बहुत ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, बहुत सारे लोगों की इसमें खपत भी होगी और इस्लामाबाद के रहायशियों को इसका फायदा भी बहुत होगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आज इफ्तिताह किया है सीडीए के चार बड़े मंसूबों का। ये तकरीब जारी है इस्लामाबाद में, बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनके हवाले से अब वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है, कहां पर कितनी लागत आने वाली है, किस मंसूबे पर कितना वक्त इसकी तकमील में दरकार होगा वजीर आजम को ये भी बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इससे रोजगार के कितने मौके पैदा होंगे वजीर आजम को इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी जा रही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद का, यहां ये देखा जा रहा था आबादी चूंकि बढ़ने लग गई है, ट्रैफिक के मसले मसाइल सर उठाना शुरू हो गए थे, इस पर खुसूसी तवज्जो दी गई वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। और उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान मुख्तलिफ जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे इस पर बातचीत की कि कहां इस्लामाबाद में ट्रैफिक के दबाव को किस तरह से रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और फिर ये जो चार बड़े मंसूबे हैं ये तरतीब दिए गए और इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब आज होना थी, ये तकरीब हो गई है। वजीर आजम इमरान खान ने इन चारों मंसूबों की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, अब इनकी तामीर जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और जल्द ये जो मंसूबे हैं पाया तकमील को भी पहुंच जाएंगे। एक बार फिर आपको बताए देते हैं कौन से ये चार मंसूबे हैं जो इस्लामाबाद में बनने जा रहे हैं, तामीर होने जा रहे हैं। रावल डैम चौक पर एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, कोरंग ब्रिज बनाया जाएगा, पीडब्ल्यूडी पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा जो कि इस्लामाबाद हाईवे पर तामीर किया जाएगा। साथ ही साथ I-15-3 में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो बड़ी मुद्दत से, बड़े अरसा दराज से इंतजार कर रहे थे कि कब यहां पर जो मंसूबे हैं मुख्तलिफ उनका आगाज होगा, तामीराती काम शुरू होगा। तो I-15 सेक्टर जो है उसमें जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, जो लोग वहां रिहाइश का इरादा रखते हैं, उनके लिए हम ये बता दें कि इस सेक्टर में जो फेज वन के मंसूबे हैं उनके भी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है। बड़ी ही खुशाइंदी खबर है। सीडीए के मंसूबे बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि ये तातील का भी शिकार थे, इनमें ताखीर भी हो रही थी, लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है, जल्दी ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। इस्लामाबाद के लोगों को इसका बेइंतहा फायदा होगा और फायदा इसलिए भी होगा कि अब ये जो ट्रैफिक हम बहुत ज्यादा हाईवे पर देख रहे होते हैं इस्लामाबाद हाईवे पर, इसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी इसके रश में भी, क्योंकि कोरंग ब्रिज पर भी, कोरंग पर भी हम देख रहे हैं कोरंग के इलाके में एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो बहुत अरसे से डिमांड की जा रही थी उस इलाके के लोगों की जानिब से। साथ ही साथ रावल डैम चौक जो है वहां
थी ट्रैफिक की रवानी को मुतासर होने से बचाने के लिए ये भी अब बनने जा रहा है, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है। ये तमाम तकरीब जो है हम आपको बराह रास्त दिखा रहे थे।